दिल्ली में राजेंद्र नगर उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है और इसी कड़ी में लगातार तीसरे दिन आप संयोजक अरविंद केजरीवाल राजेंद्र नगर के इंदरपुरी में जनता के बीच पहुंचे, जहां भारी संख्या में पहुंचे लोग उनकी रैली में शामिल हुए और दिल्ली के सीएम का अभिवादन किया। इस दौरान राजेंद्र नगर ने से आप प्रत्याशी दुर्गेश पाठक भी सीएम केजरीवाल के साथ मौजूद रहे। बता दें कि दुर्गेश पाठक की सीट से आपके टिकट पर उपचुनाव के लिए मैदान में है और आम आदमी पार्टी इस सीट पर जीत का दावा कर रही है, जिसके लिए पार्टी के सभी दिग्गज नेताओं ने पूरी ताकत झोंक रखी है। 23 तारीख को चुनाव है, डालने जाओगे? कौन सा बटन दबाओगे? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पिछले विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने खूब जम के वोट दिया था, हमें खूब प्यार दिया था, खूब विश्वास किया था। अब 23 तारीख को चुनाव है, पिछली बार जितने वोट दिए थे उससे दुगने वोट इस बार पड़ने चाहिए। हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं दिल्ली में? स्कूल ठीक करे कि नहीं करे? आपके बच्चों का भविष्य बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? बिजली फ्री मिल रही है कि नहीं मिल रही? बिजली 24 घंटे आ रही है कि नहीं आ रही? महिलाओं का फ्री बस सफर हुआ कि नहीं हुआ? कई काम कर दिए, अभी कई काम करने बाकी भी हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।